नदी कहीं ना कहीं सूख चुकी है बहुत ज्यादा। दिलवारी फूल नाम है सर। अच्छा, 200 साल से भी ज्यादा है। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ, जी हाँ, कोइलवर मैं आया हूँ। और आप देख सकते हो कोइलवर का जो ब्रिज है, और मेरे पीछे बहुत सारे यू नो बालू से भरा हुआ, पूरा रेत से भरा हुआ जगह है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मीन्स अच्छा लग रहा है। और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ। और यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आरा में आई थिंक मैंने सुना कि वहाँ पे धूप निकला हुआ है, बट यहाँ पे धूप आ रहा है, छुप रहा है, आ रहा है, छुप रहा है, तो इस वजह से। और ये बच्चे काफी ज्यादा यू नो काफी अच्छे स्टंट भी कर रहे हैं। दिखाना चाहता हूँ कि इन बच्चों में किस तरह का टैलेंट है। और बहुत छोटे हैं, वाव, काफी ज्यादा अच्छे स्टंट कर रहे हैं, वाव। और कोई है? करो करो करो, ये अच्छा मारता है। अच्छा, ये अच्छा मारता है। अरे अरे अरे, वाव। दोस्तों, अब मैं आप सबको एक छोटा सा व्यू देने वाला हूँ कोइलवर का। जी हाँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कौन सा पुराना वाला पुल है, कौन सा नया वाला पुल है। जी हाँ, तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और कमेंट में भी बताओ। जी हाँ, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये पुल दिख रहा होगा, और ये जो पुल है काफ़ी ज़्यादा पुराना है और बहुत दूर तक गया। इस पे मीन्स ट्रेन भी चलता है और व्हीकल्स भी चलते हैं। अभी चल रहे कि नहीं? अभी भी चल रहा है ना। हाँ, और वो वहाँ पे आपको जो दूर वाला दिख रहा होगा ना, वो नया ब्रिज बना हुआ, वहाँ पे मीन्स ट्रेन नहीं चलेगा, वहाँ पे जो भी व्हीकल्स है वो आ जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक हुआ लग जाता था, इसके वजह से वो नए पुल का निर्माण करवाना पड़ा। दोस्तों मैं चल रहा हूँ तो यू नो मेरा जो जूता है उसमें पूरा ये जो बालू है पूरा घुस जा रहा है, और मुझे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इलाका है वो दूर में है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। नदी भी है, सोन नदी है। मैं आप सबको दिखाता हूँ इलाका कहाँ पे। वो जो आपको सामने दिख रहा है वही सब इलाका है। और उधर ही आप लोग रहते हो क्या? आप लोग उधर सब उधर के ही हो? अच्छा, वो जो दिख रहा है उधर जो रहते, वो भी कोइलवर ही है ना? अच्छा, वो भी कोइलवर है। ओके, और आई थिंक अभी मुझे लगता है पुल बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए मरम्मत का कार्य चल रहा है। ओके दोस्तों, मैं आप सबको दिखाऊंगा, ट्रेन आ रहा है। और मैं आप सबको नदी दिखाने वाला हूँ, और नदी कहीं ना कहीं सूख चुकी है बहुत ज़्यादा। मुझे अफसोस होता है, हम इन्वायरमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग पेड़ को काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नदी में कचरा ना डालो यार, अगर हो सके तो पेड़ भी लगाया करो, क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि अगर हम जब तक नहीं बचाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। जी हाँ, कहीं ना कहीं हवा जो है वो भी प्रदूषित हो चुका है। दोस्तों, मैं नदी के करीब आ गया हूँ, और मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। इधर जो भी आई थिंक मुझे लगता है पानी होगा कुछ दिन पहले, और कम हो गया, क्योंकि मिट्टी जो है काफी गीला गीला मुझे लग रहा है। और मैं जस्ट किनारे पे आ गया हूँ, नाव भी है उस साइड में, यहाँ पर एक नाव लगा हुआ है। दोस्तों, मैं शूज खोलने वाला हूँ और चाहता हूँ कि मैं पानी में जाऊँ और फील करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ किसी यू नो गंगा जी के किनारे। जी हाँ, तो दोस्तों मैं अब पानी में जा रहा हूँ,
पानी ठंडा है बहुत ज्यादा, देख सकते हो बहुत ज्यादा ठंडा है। और कहीं ना कहीं जो धार है वो काफी ज्यादा है। ये पैसेंजर जो ट्रेन है वो गुजर रही है इस ब्रिज से। दोस्तों मुझे आइडिया नहीं है ये पुल का नाम क्या है, आइए एक भैया मुझे मिले, मैं उनसे पूछता हूँ। इस पुल का नाम क्या है? दिलवारी पुल नाम है। अच्छा, और आपको पता है कितने साल का, मतलब कितने साल से ये? तो 200 बरस से। अच्छा, 200 साल से भी ज्यादा है। ओ, अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो काम कुछ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, ब्लास्टिंग चल रहा है। अच्छा ब्लास्टिंग, अच्छा इस तोड़ा जा रहा है इस पुल को? नहीं तोड़ा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, रिपेयरिंग। अच्छा रिपेयरिंग हो रहा है, ओके थैंक यू। तो दोस्तों मैंने आपको सोन नदी यानी कि कोइलवर का एक ब्लॉग दे दिया है, अब आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और हाँ कमेंट में भी बताओ और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, टाटा।